आजमगढ़ का उपचुनाव अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को अब की बार भाजपा के खेमे में ले जाने की कोशिश कर रही है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आजमगढ़ में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ए के शर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और इन्होंने एक जन चौपाल करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने की अपील की है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या सफलता मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए और यहाँ की जनता का मिजाज देखते हुए मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत भारी मतों से विजयी होगा। यहाँ की जनता ने अपना मन बना लिया है और पूर्वांचल का होने के नाते मैं इस मिट्टी की महक को, मैं यहाँ के लोगों की मिजाज को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि उन्होंने माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व को मजबूत करने, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए बीड़ा उठा लिया है। इसलिए निरहुआ जी की विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित। सर, एक चीज़ ये कही जा रही है, जैसे जिस तरह समाजवादी पार्टी कह रही है 2022 में एक भी सीटें नहीं मिली, तो भारतीय जनता पार्टी अनावश्यक मेहनत कर रही है, सीट फिर हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी, तो उसकी क्या रणनीति? जिन लोगों ने आजमगढ़ से जीत करके आजमगढ़ की दुर्दशा की है, उनसे बदला लेने के लिए जनता ने मन बना लिया है। जीत को लेकर आश्वस्त? जीत के लिए पूर्णतः आश्वस्त। यह ए के शर्मा जी, इन्होंने साफ तरीके से कहा कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी और जीत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नोमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।